हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एट आकाश हेल्थ केयर। आज हम इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी संक्रमण से होने वाली बीमारियां। संक्रमण के कीटाणु किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, आइदर वो बैक्टीरिया, वायरस, पारासाइट या अन्य प्रकार के भी। जो मुख्य तौर पर कॉमन इन्फेक्शन हमें देखने को मिलती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन और पैरासिटिक डिजीजेज, ये हमें कॉमन तौर पर मिलती हैं। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जैसे कि टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, फेफड़े में होने वाली संक्रमण जैसे कि निमोनिया, वायरस से होने वाली बीमारियां डेंगू, पैरासाइट से होने वाली बीमारियां जैसे कि मलेरिया, ये सब बहुत ही कॉमन तौर पे हमें अपने सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के मुख्य तौर पे लक्षण ये होते हैं कि ये मुख्यतः फीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं। जनरली फीवर यदि आपको 2 या 3 दिनों से ज़्यादा परसिस्ट करता हो तो हमें इसके बारे में विचार करनी चाहिए, हमें अपने डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए, हमें प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बहुत तौर पे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे डेली की दिनचर्या से ये डिसाइड होता है कि हम अपने आप को इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टाइफाइड की बीमारी प्रदूषित पानी पीने से होता है। फीको ओवरलोड कॉन्टामिनेशन अगर वाटर में हो तो ये हमें टाइफाइड होने का कारण है। सिमिलरली अगर हम पैरासिटिक डिजीज की बात करें जैसे कि मलेरिया, वो हम जानते हैं कि मच्छरों के काटने से बचें तो हम मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। सिमिलरली एक वायरल डिजीज़ जैसे कि डेंगू होता है, अगर हम मच्छरों के काटने से बचें तो हम डेंगू से भी बच सकते हैं। जब भी हमें बुखार और उसके साथ होने वाली सिम्टम्स जैसे कि सर दर्द, बदन में दर्द होना, पेट में दर्द होना, बार बार वॉमिटिंग आना, ये सब चीज़ें अगर हमें देखने को मिल रही हैं, हमें अपने डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। जहाँ तक इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात है, इन्फेक्शियस डिजीज़ आजकल एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी के लिए खतरे के रूप में सामने आ रहे हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा सुपर बग्स के बारे में, जिसके अंदर बैक्टीरिया आजकल ऐसे ऐसे एंजाइम्स बना रहे हैं जो कि बहुत ही पोटेंट, बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स जो पहले हुआ करते थे उन्हें भी डाइजेस्ट कर जाते हैं। बहुत सारी इस तरह के बैक्टीरिया और कीटाणु हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। इंट्रोबैक्टेरिसी या इकोलाई या सीडोमोनास, ये सारे इस तरह के सुपर बैक्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। ऐसे कंडीशन में जितना ज़्यादा हम पहले मेडिकल थेरेपी में पहुँचेंगे, बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस होने की संभावना उतनी कम होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम समय से पहुँचें, समय से अपने डायग्नोसिस करें, हम ये जानें कि कौन से कीटाणु से हमें इन्फेक्शन हो रहा है और उसके अगेंस्ट हम एडिक्वेट ट्रीटमेंट जल्दी से जल्द स्टार्ट कर सकें। थैंक यू।